ये बहुत ही क्रिएटिव होता है और डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है, मेरे साथ बहुत सारी फिल्में उनके साथ में की है और कल से हम एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, गाली गलौज। गाली गलौज है लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, जैसे गजनी फिल्म का जो विलन गजनी है, टाइटल गजनी है, फिल्म में विलन है गजनी, जैसे हमारे फिल्म में विलन गाली गलौज। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि साफ सुथरा मंगल अब गायब होता जा रहा है, अच्छी चीज़ें लाइए, दर्शक वेट कर रहे हैं अच्छी चीज़ का, तो उसका क्रिएटिव डायरेक्शन हमारा आज़ाद भाई करने वाले हैं और बहुत सारी स्टार कास्ट है। कल से आप लोग हमारे लिए युवा भी दीजिए, प्रार्थना भी दीजिए और साथ में रहिए, हो जाएगा तो उसके लिए तो मैं आपकी दुआ चाहूँगा। लेकिन साथ साथ में जितनी प्रार्थनाएँ, जितनी शुभकामनाएँ सब दीजिए मेरे दोस्त के न्यू एडवेंचर को, जो आज रिलीज होने वाला है म्यूजिक एल्बम जिसका नाम है वो लव है। अगर आपके पास बहुत सारे गम है तो देखते रहो, वो लव है, भूल जाओगे क्योंकि इनके में इसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा, टेंशन कम है। बहुत बढ़िया। तो ये वो लव में पूरी टीम है, खूबसूरत टीम है, इनके कैसे लोग आए हैं, हैंडसम लोग कैसे कैसे होते हैं, हैंडसम लगा रहे हैं और वो मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आपका लोग मत रही है। सबसे पहले कॉर्नर शुरू करता हूँ, तुम अपना नाम बताओ। विद्या सम्राट आपका शुभ नाम क्या करते हैं? मानसी को तो फिल्मों में आना ही चाहिए, मानसी का उल्टा सिनेमा होता है। मेरा नाम है नेहा टिब्बे और मैं भी आज़ादी के बारे में काफ़ी सुना है, बट ब्रिजेश जी जिसको मैं ज़्यादा पर्सनली जानती हूँ, सॉरी। सो ये सारा जितना भी आज जो लॉन्चिंग हुई है, आगे जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं, आगे जो ब्यूटी प्रेजेंट होने वाला है, तो ब्रिजेश जी उसमें एज अ ग्रूमिंग आप सभी को ग्रूम वही करने वाले हैं। मैं उनकी फ्रेंड हूँ, आज़ाद जी की फ्रेंड हूँ एंड माई बेस्ट विशेज विथ यू ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आगे जो स्टार्ट किया आज़ाद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई। हेलो, मेरा नाम रेशमा मस्ती है और ये जो लॉन्च होने वाला है, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ क्या होने वाला है नया। एंड मैं भी न्यूली ज्वाइन हुई हूँ सब में, तो मैं सब चीज़ों में। हेलो, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और दादा सर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत प्यारी कॉम्पिटिशन टीम है, जोरदार तालियां के लिए बताइए अब क्या कुछ पूछना है किसी ने। सर थोड़ा सा ही काम है, हम उसी मिला में एल्बम है और एक ब्यूटी पेशेंट भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? आज़ाद को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तीन चार फिल्में भी हमने साथ में की है, उसकी फिल्म भी की है, मेरी फिल्म भी साथ में उन्होंने की है, लॉकडाउन टू अनलॉक। बहुत फास्ट काम करता है, बहुत अच्छा काम, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है इसका, मैं तो दीवाना हूँ इसका। जब भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरी इच्छा होती है कि आज़ाद मेरे साथ में रहे और ये अपना वक्त निकालता है और भाग भाग के आता है। तो कल से मैं जो फिल्म गाली गलौज की शूटिंग शुरू कर रहे हैं उसके पीछे भी यही राज है कि बहुत बहुत हेल्प करता है काम में। और ब्यूटी पेजेंट जो होने जा रहे हैं इसमें, मैं समझता हूँ कि ये हमारे ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसमें नए नए एक्ट्रेस, नए नए एक्टर आने चाहिए, जिसके लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है ब्यूटी पेजेंट जो है। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि सुंदर लड़कियाँ आती है अपने विचार, अपने ब्यूटी विथ ब्रेन इस
थीम के तहत अपने आप को रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया मिलकर फिर उनको चुनती है, पूरा वर्ल्ड मिलकर को चुनता है। ब्यूटी पेजेंट भी इसी तरह से है कि बहुत सारे जानकार लोग साथ सामने जूरी बन के बैठे रहते हैं और वो हर चीज़ नोट करते हैं कि इनके अंदर क्या काबिलियत है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये क्या बोलेगा, ये कैसे बोलेगी, ये कैसे परफॉर्म करेगी, सब चीज़ें। उसके बाद जब उसका निचोड़ निकल के जब एक विनर बनती है, ये बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सलाम के योग्य है। और ये काम करने करवाने वाला करने वाला अगर हमारा आज़ाद जैसा दोस्त है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी आज़ादी और कहाँ। टाइटल ये कि जो आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स वगैरह सब जो गाली गलौज करते हैं, अच्छा, वीडियो बना बना कर सब परेशान कर रखा है, एंटरटेनमेंट के नाम पे मतलब कोठा खोल रखा है। देखा जाए तो बेचारी शरीफ लड़कियाँ अपना फोटो डालती है तो उसको कोई लाइक नहीं आता, जो लड़कियाँ कम कपड़े पहनती है और डिस्को डांस करती है उनको ज़्यादा लाइक कर देते हैं। तो मैं उसमें उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शब्दों का चयन सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए ताकि कला लगे, ये ना लगे कि वो एक तरह से कोठा है या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब जो जिसके लिए सही शब्द नहीं मिल रहे। तो सर ये भी कहना है सोशल मीडिया को डेवलप करना या रिफाइन करना, ये पर्पस है क्या आपका इस फिल्म के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मेरा क्या, हम सबका ही अभी जैसे साउथ की फिल्में यहाँ पर आने लगी हैं, छाने लगी हैं, उसके पीछे कारण यही है कि साउथ की फिल्में जो है वो साफ सुथरा कंटेंट लाती है और कंटेंट पे और काम पे उनका जोर होता है, फालतूगिरी पे नहीं। लड़कियों को खामा सिगरेट पिला रहे हैं, जाम पिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, लड़कियाँ कम कपड़ों में गाली गलौज कर रही है, फालतू बातें कर रही है, घूम फिर के वो मतलब वही इंटीमेट सीन, और लड़की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोल रही है। तो मैं कहता हूँ ऐसे हीरोइनों से कि आप साउथ की हीरोइन से कुछ सीखिए, बहनों मर्दों की बराबरी करो मगर बिगड़े हुए मर्दों की मत करो, अच्छे मर्दों की। सर लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आपको तो मशहूरियत तब मिल गई थी जब सोशल मीडिया था भी नहीं, 2007 की बात है, तो आपके लिए तो सोशल मीडिया का उस मायने उतना होगा भी नहीं अगर देखा जाए आज के हिसाब से। नहीं, मायने दिस इज कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सभी गलत हैं, कुछ 10% लोग अच्छे भी हैं सोशल मीडिया में, तो जैसे यूट्यूब वगैरह हैं उसमें क्या क्या फिल्में हैं, पुराने गाने हैं, कैसे कैसे इंटरव्यूज हैं पुराने कलाकारों की, पुराने इतिहास अगर आप देखना चाहें गूगल पे सर्च करना चाहते हैं तो हेल्पफुल है, तो ये तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको बुरा बना रखा है, लोगों ने बुरा बना रखा। तो मैं वो समझता हूँ कि वो चीज़ जैसे भी ये खूबसूरत है, अब यहाँ पे काम कर काम की वजह लोग शराब पीना शुरू करते पार्टी, तो काम का ही चीज़ बदनाम हो जाएगी, इस जगह तो कोई कुसूर नहीं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आनी चाहिए। तो यही हमारी फिल्म गाली गलौज का थीम है, सोच को तेरी पड़ गई मौज, लाश शर्म ना है संकोच, सोच को तेरी पड़ गई मौज, लाश शर्म ना है संकोच, सोशल मीडिया के नाम पे बस करता है तू गाली गलौज, ओपन माइक के नाम पे क्यों करता है गाली गलौज, मत कर पगले गाली गलौज, मत कर बेवड़े गाली गलौज। आज़ाद भाई आप बताइए सुनील सर के बारे में जो एसोसिएशन रहा आपका कैसा, और आपकी काफ़ी तारीफ भी की, क्या करना चाहते हो? सर क्या देखिए सर कैमरे मैं शुक्रगुजार हूँ सुनील भाई का कि मुझे इस लायक समझा, और कहीं ना कहीं होता है कि एक नए टैलेंट को चांस देना, तो इन्होंने मुझे काफ़ी जो है कि सपोर्ट किया है, मेरे टैलेंट को देखा और इनका काम क्या है, इनके फिल्म में भी किया है ना एसोसिएट डायरेक्टर, तो इससे मुझे और भी काफ़ी लोग देखते हैं कि यार सुनील पाल ने लिया है तो बंदे में कुछ तो है टैलेंट, तो हम भी लेते हैं, इस वजह से हमें और भी काम मिलता है, और मैं सुनील सर का आशीर्वाद से कंटिन्यू कर रहा हूँ और हमेशा बिजी रहता हूँ। अभी तो इतना बिजी है कि मैं कहा फिल्म कर पाओगे क्या, बोले सर आपके लिए छोड़ के आया हूँ, करते हैं इसका प्यार है, बट बहुत बिजी रहता है और भगवान करे और बिजी रहे, तुम भी अपने काम के मिस्टर वर्ल्ड। आज़ादी ये बताइए जो एल्बम है, जो कलाकार हैं, जो लेबल है आपका म्यूजिक फॉर, क्या बताइए उस बारे में क्या है? ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक ट्राइंगल है सर क्या मतलब, ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, ट्राइंगल लव स्टोरी है, और इसका जो फीचरिंग है उन लोग अभी नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ मुंबई हैं और आज लॉन्चिंग था। तो कैसा अनुभव था इस एल्बम के दौरान शूट का और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा है, न्यू आर्टिस्ट हैं, अच्छा एक्ट किया है फर्स्ट टाइम में, तो
आएगा सॉन्ग तो काफ़ी अच्छा लगेगा सर। आपसे कहना चाहूँगा सुनील सर के बारे में, आज़ाद सर के बारे में, जिनका ये एल्बम क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, पहली बात तो आज़ाद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत ही नेक दिल इंसान है, सब यही बोलते हैं यार, मैं नया नहीं बोल रहा कुछ। और सुनील सर से भी मेरा बहुत पुराना है, बीच बीच में एकदम मिलना होता है। एक बार हम बहुत पहले किसी ब्यूटी पेजेंट में मिले थे, बहुत पहले, इनको शायद याद भी नहीं होगा, ये बहुत सारे शो करते रहते हैं, तो ऐसे ही रैंडमली हम बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। बहुत प्यारी पर्सनालिटी है, बहुत प्यारा सोल है, बहुत अच्छा टैलेंट है। और सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा आज़ाद जी को उनकी इस नए गाने की लॉन्चिंग पर, बहुत बहुत मुबारक इनके सारे आर्टिस्ट और पूरी टीम को। दूसरा ये कि आज़ाद जी के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया, बस फर्स्ट टाइम हमारा इस ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से मैं इनके साथ जुड़ूंगा। मैं पहले काफ़ी फैशन शोज कर चुका हूँ, मैं शो डायरेक्टर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, मॉडल शो ग्रूम करता हूँ, तो इनका कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मिस इंडिया इमेज, मिस इंडिया वाला। और हम लोगों ने बहुत मीटिंग्स की, एक साल से हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसके लूप पॉइंट्स पर, इसके वीक पॉइंट्स पर, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत टाइप के ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, हर गली में हर जगह ब्यूटी पेजेंट्स हो रहे हैं, लड़कियों का शोषण हो जाता है, राइट राइट, उनके पैसे का, शरीर का, हर चीज़ का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, उनके फ्यूचर का, हर जगह शोषण हो जाता है। तो हम लोगों ने एक साल तक सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे एक ट्रू टैलेंट, यू नो, जो वो हकदार सच में है, कंप्लीटली है, कोई बायस नहीं, कोई चीटिंग नहीं, राइट, तो उस बेस पर, उस बिहाफ पर हम लोग आगे जाएंगे, राइट, और उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही इंसान को सही प्लेटफॉर्म पे आने का एक मौका मिलेगा, कोई भी उठ के नहीं आ पाएगा। तो आज़ाद जी की सोच और उनका जो कंसेप्ट है, आए तो लव इट। और मैंने उसी दिन कहा कि मैं आपके साथ करूँगा, आप कल से स्टार्ट करो या फिर आप 2 साल बाद स्टार्ट करो। तो उन्होंने ये मुझे कल रात को ही बोला कि वी आर अनाउंसिंग अवर इमेज मिस इंडिया, राइट, सो प्लीज कम, थैंक यू सर, थैंक यू। पॉलिटिशियन और ये और वो एंटरटेनमेंट में कैसे आज कभी कुछ होता था इमेज मिस इंडिया सर जानना चाहूँगा, इमेज मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी इस तरह का कॉन्टेस्ट होना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो? खूबसूरती को बढ़ाना और खूबसूरती की तारीफ करना किसको पसंद नहीं, और ये इससे अच्छा कोई काम है? मैं समझता हूँ कि खूबसूरती को चाहे पेंटिंग के ज़रिए हो, चाहे स्टेज के ज़रिए हो, चाहे सिनेमा के ज़रिए हो, चाहे मेकअप के ज़रिए हो, हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि उसे आगे बढ़ाए। ब्यूटी पेजेंट जितने भी होते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो हमारे देश की महिलाओं को, जो ऑलरेडी सुंदर है, भगवान ने गॉड गिफ्टेड सुंदर बना के भेजा है, उनकी सुंदरता के ज़रिए, उनकी मन की सुंदरता, दिमाग की सुंदरता, उनकी स्ट्रेंथ की सुंदरता, उनको समाज में कुछ करना चाहती है इस चीज़ की सुंदरता, वो एक मंच के ज़रिए पेश होती है। केवल उसमें तन की सुंदरता नहीं होती, मन की सुंदरता भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ के लिए जितना ज़्यादा सपोर्ट हो, हर तरह से होना चाहिए। और इस पेजेंट के लिए मेरी बहुत शुभकामना, जो इमेज मिस इंडिया, देखिए कितनी अच्छी बात है, मिस इंडिया की इमेज बनने वाली है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बाकी जो हमारे हैंडसम दोस्त हैं वो कुछ बताएंगे। सर आप बताइए, आप इसे कह रहे थे कि बहुत सारा कंपटीशन हो गया है और yes. राइट वे में नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए आप क्या राइट करने वाले हैं इसमें? देखिए, राइट तो वही होता है जो दिख जाता है सामने, ठीक है। अगर एक इतने सारे पेजेंट्स होते हैं, उनमें से 2 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में तारीफ हो रही है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, राइट। थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा शायद ये बयान, लेकिन ये सच है, है ना, राइट। बट अब वही सही होगा जब हमारे शो से निकल के कोई हमारी शिकायत ना करे, कोई ये ना बोले कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, हमारे पैसे खा लिए, या फिर हमारे साथ शोषण हो गया, हमारे साथ चीटिंग हो गई, ये नहीं होना चाहिए। और कोई शिकायत जिस दिन करता है, वो शो, उसका इमेज वहीं ख़राब हो जाता है, उसका इमेज स्पॉइल, स्पॉइल मतलब सब कुछ स्पॉइल, आप दोबारा नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा एक पेजेंट का नाम है, मैं बोल सकता हूँ कैमरे पे, बट अभी नहीं, आफ्टर हमारा शो मैं बोलूँगा, राइट। रिसेंटली आया, दबाया और निकल गया और गाया, सोशल मीडिया से ही गाया, और बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है, हमारा इमेज जो स्पॉइल होने की भी हम बात कर रहे हैं, वो स्पॉइल नहीं होना चाहिए। अगर वो स्पॉइल नहीं होगा तो आपको इसके बारे में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा,
तो ये हमारा प्रयास रहेगा, जो कि हम लोग हर एक वीक पॉइंट पे बात कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, राइट। तो वो हमारे एक स्पेशल हमारा एक कोशिश हुई रहेगा, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। बाकी तो जैसा सर ने कहा, राइट, सिर्फ एक ब्यूटी नहीं होती, उसका माइंडसेट भी होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, हर एक चीज़ पे पर्सनली स्पेशलिस्ट बैठ के जज करेंगे, हर एक तरीके से ग्रूम किया जाएगा, पूरी शिद्दत दी जाएगी इस शो को। तो ये हमारा कंसेप्ट है, तो शिद्दत वाला आर्टिस्ट ही शिद्दत जगह पर पहुँचेगा। थैंक यू सो मच आज़ाद सर, उनके ब्यूटीफुल के लिए इंडिया।